यहाँ फिर से घपोसला हो रहा है, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस लगा करके और यहाँ सब अपने निकले हुए हैं गश्ती के लिए। नमस्कार, मैं अपराजित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार सरकार कितनी भी दावे कर ले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, लेकिन हकीकत देखने को मिल ही जाती है। बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में अक्सर एम्बुलेंस की कमी की शिकायतें दर्ज होती रहती हैं। अब एक नया मामला सामने आया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से। बताते चले कि नालंदा के बेहतर अस्पतालों में शुमार बिहार शरीफ सदर अस्पताल में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसका जीता जागता नमूना शनिवार को सदर अस्पताल में देखने को मिला, जहां छत से गिरे एक 4 साल के बच्चे को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। करीब आधे घंटे तक परिजन कंधे पर शव को लेकर इधर उधर घूमते रहे, मगर उन्हें एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। परिजन 102 नंबर पर डायल करते रह गए, मगर किसी से कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल बेन थाना इलाके के जुलूम रजक का 4 वर्षीय पुत्र आदित्य शुक्रवार को छत से गिर गया था, जिसका इलाज निजी क्लिनिक में कराया जा रहा था। बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शव को लेकर जाने के लिए परिजन एम्बुलेंस की तलाश में भटकते रहे, फिर 102 नंबर पर डायल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला और बच्चे का शव कंधे पर लेकर जाना पड़ा। यहाँ एक बच्चा डेथ कर गया था, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है और सदर अस्पताल के नाम पर यहाँ फिर से घपोसला हो रहा। जो भी यहाँ सुरक्षा कर्मी है वो अपने नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, एम्बुलेंस लगा करके और यहाँ सब अपने निकले हुए हैं गश्ती के लिए। डायल किए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं निकले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रेम कुमार है। बात करूँ ना भैया, लेकर भैया।